नमस्कार दोस्तों, आज भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये आज़ादी का पर्व हम पिछले 78 सालों से गुजार रहे हैं, पर क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? सवाल बहुत बड़ा है, अगर कोई समझे तो। ये खाली औरतों की और लड़कियों की ही बात नहीं है, ये बात सभी पर लागू होती है, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो। आज लड़कियों तो सेफ हैं ही नहीं, लेकिन लड़के भी सेफ नहीं हैं। निर्भया केस, अभया केस, हाथरस केस, कितने ही ना जाने केस हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। क्या हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं? लड़कियों को आज भी दबाया जाता है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, ऐसा सोसाइटी मानती है। हम ना कभी आज़ाद थे ना कभी आज़ाद हैं, पर हम आज़ाद होकर रहेंगे, ये आज की नारी का दावा है। नारी शक्ति को कम ना आंका जाए। बांग्लादेश में देख लो, आज नारियां ही सड़क पे अपनी अस्मत की जो है रक्षा कर रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज मैं इसी चीज़ पर आपसे बात करूंगी, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, और ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। कितने ही राष्ट्रभक्तों ने और हमारे देशवासियों ने अपनी जानें गंवाई थी, ताकि उनकी आने वाली औलादें जो हैं वो आज़ादी का मज़ा चख सकें। लेकिन इस तरह की आज़ादी नहीं, जहां औरतों को दबाया जाता है, लड़कियों के लिए जो है कोई छूट नहीं, कोई आज़ादी नहीं, वो अपनी मर्जी का ना पहन कर ना इच्छा करके कहीं जा सकती हैं, ना आ सकती हैं, सेफ महसूस नहीं करती हैं। और आज के युग में तो माँ बाप जो हैं वो लड़कियों के लिए तो है सो है, लेकिन लड़कों के लिए भी जो है वो परेशान रहते हैं। बच्चा जब तक घर वापस ना आ जाए, माँ बाप को किसी तरह की आज़ादी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वक्त ऐसा आ चुका है कि जहाँ पर मानसिक तौर से देखा जाए तो आज का जो इंसान है, जो देशवासी, जो भी कुछ कह लो आप, वो बीमार है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसकी सोच स्वस्थ नहीं है। आप इतने केस देख लीजिए, अभी जो बंगाल में ये केस हुआ है, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। क्या ये आज़ादी है उसकी कि वो माँ बाप से दूर हॉस्टल में रह के आज़ादी से जो है रहना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, कंधे से कंधा मिला के देश के इंसान लड़कों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती थी, आदमी के साथ चलना चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छाओं को इस तरह से दबा दिया जाए? आपको लगता है कि इसके बाद माँ बाप जो है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए जो है तैयार होंगे? इस तरह से तो आप वापस से ही गुलाम हो गए, क्योंकि आप अपने मन पर, अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सके। तो क्या ये आज़ादी है? नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। आज औरत को देख लो, नारी शक्ति, सुनीता विलियम देख लो, कल्पना चावला देखो, इन लोगों को देख लो, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है, खाली हमारे देश के नहीं, कई देशों के हैं, जहाँ पे औरतें आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन ऐसे समय में मर्द जो है उसे क्या लगता है कि औरत को दबा लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए? नहीं, वक्त आ रहा है जब औरतें राज करेंगी, वो अपनी इज्जत बचा सकेंगी, अपने आप को बचा सकेंगी, देश के विकास में काम कर सकेंगी, बढ़ सकेंगी, देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जा सकेंगी। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त आ रहा है, तभी सही मायनों में हम सब आज़ाद कहलाएंगे।